नमस्कार, मेरा नाम है बेरोजगार कुमार और आप देख रहे हैं बेरोजगारी सेशन नंबर 1। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार के बारे में और सरकार की नीतियों के बारे में। दोस्तों, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो काफी बढ़ चुका है और जो दोस्तों हमारा जॉब का रेट था वो 23.5% जो कि दो महीने से पहले तक चल रहा था, वो दोस्तों जून 2020 में आकर 11% हो गया और पिछले दो महीने में ये बहुत जॉब में गिरावट हुई है। दोस्तों, जॉबलेस रेट जो कि अर्बन एरिया में है दोस्तों, वो भी घट गया और घटकर दोस्तों आपको बता दूं कि 25.8% से दोस्तों 12% रह गया। वही अगर दोस्तों बात करते हैं अगर रूरल एरिया के, तो उसमें दोस्तों 22.5% से दोस्तों 10.5% तक नीचे हमारा जॉब गिर गया और जॉबलेस लोग ज्यादा बन रहे। मतलब आज बेरोजगारी हमारी कंट्री में दूसरी सबसे बड़ी महामारी बन चुकी है। अगर पहला का नाम कोरोना है तो दूसरा का नाम अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी भी है गाइस, जो कि हर युवा को फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों, इंडियन GDP -23.9 पहुंच गई है क्वार्टर 1 में। समझिए कि हमारे साथ आज हो क्या रहा है। दोस्तों, एक तरफ मुकेश अंबानी दुनिया का चौथा रिचेस्ट इंसान बनने को जा रहा है और वहीं हमारा देश -23 डिग्री पे पहुंच रहा है। जो सरकारें हमें 5 ट्रिलियन का वादा करती थी, जो हमें 5 ट्रिलियन का सपना दिखाती थी, आज उसकी सरकार में इतनी GDP नीचे गिर रही है। तो आप समझिए कि मुकेश अंबानी दुनिया का चौथा इंसान बनने जा रहा है सबसे रिच, और फिर भी हमारे देश का आज इकोनॉमिक हालत ये है, GDP का हालत ये है। तो ये किस तरह के, ये कैसे पॉसिबल है गाइस, इसमें क्या जुमलेबाजी है, ये सब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये दावा किया था इलेक्शन से पहले कि हम प्रति साल 2 करोड़ रोजगार को जनरेट करेंगे और हमारी जनता इतनी भोली है कि वो सिर्फ बातों में आकर ही किसी को भी जिता सकती है और किसी को गिरा सकती है। दोस्तों, जनता ने उनको एक उम्मीद से वोट दिया था कि हमारे बच्चों को हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन दोस्तों मोदी ने जो 2 करोड़ का वादा किया उन्होंने कहीं तक भी पूरा नहीं किया। आज की कंडीशन ये बन चुकी है कि प्रत्येक साल 1.5 लाख जो जॉब है वो भी पैदा नहीं हो पा रही है। दोस्तों, तो 2 करोड़ की बात तो बहुत दूर रह जाती है। तो दोस्तों, ये 2 करोड़ कहाँ गया? अब मोदी जी को इस बात पे शर्म आना चाहिए, क्या इतना भी झूठ बोला जा सकता है? ये जो 2 करोड़ है ये कहाँ गया, क्या हुआ जो नहीं आ रहा है? हम पिछले सात साल से तो यही देख रहे हैं। जस्ट कि एक जुमला रचा जाता है दोस्तों सिर्फ इसलिए ताकि हमें वोट मिल जाए, वोट मिलने के बाद अपना रंग बदल लेंगे, अपना काम है बनता तो भाड़ में जाए जनता। इस फॉर्मूले को हर नेता लाना चाहता है और लाता भी है। दोस्तों, CMIE के रिपोर्ट के अनुसार जून में कोरोना वायरस के चलते, पैंडेमिक के चलते दोस्तों 5 मिलियन जो लोग थे उन्होंने अपनी जॉब को गवा दिया। कितनी दुखद बात है, लेकिन फिर भी आज उनको फिर से जॉब नहीं मिलने को लग रही है और वो आज जो एक समय ऑफिस में जाकर काम कर रहे थे आज वो जॉबलेस हो गए हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। अब गाइज, आप कहिएगा कि जो GDP वाली बात है तो हमारी थोड़ी सिचुएशन वैसी है। चाइना में भी हुई होगी, कोरोना वायरस आया तो यहाँ भी हुई होगी, वहां भी हुआ होगा। सब जगह का मिला जुला कर GDP खराब है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप कहते हैं कि कोरोना वायरस से इतना खराब हो सकता है, मैं मानता हूं कि कोरोना वायरस के चलते हमारा GDP इतना नीचे गया है, लेकिन इतना भी क्या जो सारी कंट्री में नहीं? अब आप जो जियोग्राफिकल कंडीशन बताने लगोगे तो इस बात को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि ये सिर्फ कहने के लिए एक जुमलेबाजी रची जाती है। क्योंकि हमारे मोदी जी तो कहते हैं कि कुत्ता पालने के लिए उसको ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, वो GDP पे कब आकर्षित होंगे? ये बात तो आप पहले उनको सोचना चाहिए। इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाए, इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है। गाइस, आपको बता दूं कि जहां से कोरोना वायरस फैला है यानी कि चाइना, वहां भी 3.2% अभी भी GDP है। USA का सबसे खराब है दोस्तों इंडिया से भी। और दोस्तों, जापान का GDP -7.6% आ गया है और वही अगर जर्मनी की बात की जाए तो वो -10.1 पे आ गया। तो देखिए कि जर्मनी, जापान जो है दोस्तों वो उनका ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी हमारा इंडिया का बहुत लो जाता है और हम फिर भी कहते हैं यार कोरोना वायरस ना था तो क्या होता।
होता है ऐसा, जीडीपी नीचे जाना चाहिए। मोदी जी लॉकडाउन लगा के रखे थे। अब जो भी आपकी राय है वो आप समझ लीजिए। खैर जो बात थी बतानी वो बताता हूँ दोस्तों। ताइवान जहाँ से ये फैल रहा था चाइना, वहाँ की इतनी बुरी कंडीशन नहीं थी। चाइना आप कहोगे वो दोस्तों वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है, उसको तो और भी जो कंट्रोल करना है वो भी और भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आज चाइना अपने आप को कंट्रोल किया और हम जीडीपी का बहाना लॉकडाउन और कोरोना वायरस को दे रहे हैं। दोस्तों अगर आप जॉब की अगर बात हो जाए तो आप खुद बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट है वो मिलियन मिलियन में फॉर्म भरते हैं। अगर 10,000 की बहाली है तो उसमें 10,00,000 लोग भरेंगे और ट्रेन से सफर करते हुए जाएंगे और कुछ का तो पता चला नौकरी मिलने से पहले ही मर गया। मतलब 10,000 की बहाली में 10,00,000 जा रहे हैं लोग भरने के लिए। उसके बाद भी ये दिखने को मिलता है दोस्तों कि कम सैलरी कम वर्कर वहां काम कर रहे हैं। उसके बाद भी आपको क्या मिलेगा कि फॉर्म भरा गई है लेकिन जॉब का कोई पता नहीं, एग्जाम का कोई पता नहीं, रिजल्ट का कोई पता नहीं। दोस्तों ये है एसएससी सीजीएल का टाइमलाइन जिसमें ये बताया गया कि फॉर्म कब अप्लाई होगा और कब ये निकला था, लेकिन आज भी इसके रिजल्ट की कोई पता नहीं। मतलब जो स्टूडेंट आता है सपना लेकर, गरीब किसान का बच्चा होता है कि मुझे आगे कुछ करना है, जॉब करना है, वो बाद में जब 2-4 साल तक वो रह लेता है, अपना जितना पैसा होता है उसको खर्च कर लेता है क्योंकि उनकी किसानों की उतनी इनकम तो है नहीं, क्योंकि सब लोग अमित शाह और मुकेश अंबानी तो है नहीं, तो हर कोई अपना एक बजट लिखाता है पढ़ने के लिए। ये भारत है, यहाँ सिर्फ पढ़ाई को डिग्री से देखा जाता है और आपके टैलेंट को जॉब से देखा जाता है। अगर आपको आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको कहीं पे भी कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं किसी के सामने। जॉब नहीं है तो आप, आपके पास मतलब कोई टैलेंट ही नहीं है, ऐसा भारत में माना जाता है दोस्तों। आज ये कंडीशन बनप रही है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको ज्यादा ही सोचा जाता है कि शायद पढ़ने में अच्छा नहीं था, बस इस वजह से जाकर वो जॉब, आज जॉब नहीं हो पाया तो आज वो बिजनेस कर रहा है, बस ये सोचा जाता है हमारे भारत में। लेकिन जिस भारत में ये सोचने वाले लोग हैं, इतने पढ़ने के प्रति इतनी जागरूकता फैली है दोस्तों, आज भी बिहार से इतनी यूपीएससी क्लियर होते हैं, लेकिन फिर भी आज एजुकेशन सिस्टम की हालत ऐसी है और आज एग्जाम की ऐसी हालत है जहां एक रेलवे में साधारण जॉब के लिए भी लोगों को 10-10 साल तक वेट करना पड़ता है और तब जाकर उनकी नौकरी लगती भी है कि नहीं ये भी पता नहीं रहता है। दोस्तों आज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो बहुत बढ़ गई। तो आपको बता दूं कि इंडिया वर्ल्ड यंगेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में दोस्तों, जहां आप चाइना से कंपेयर कीजिए, यूएसए से कंपेयर कीजिए, लेकिन जहां भी विकसित देश है जापान से कर लीजिए, लेकिन फिर भी आज यंगेस्ट पॉपुलेशन दोस्तों हमारे इंडिया में। हमें युवाओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए, फिर भी हम इतने पीछे क्यों है, आप कभी सोचने की प्रयास किया? दोस्तों हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दोस्तों इंजीनियर्स का, जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है उतनी यहाँ तो हमारे यहाँ इंजीनियर पैदा होते हैं, फिर भी हम उतने डेवलप नहीं है, कहीं से भी कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही है दोस्तों। तो हम क्या कहते हैं, जो हमें सरकार विश्वगुरु का सपना दिखाती है ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है क्या, जो सिर्फ दिखाने और कह देने से हो जाएगा और हम मान ले कि मोदी जी ने ये किया? सोच कर देखिए एक भक्त ज्ञान। स्विट्जरलैंड आज हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन जहां हमारे इतने इंजीनियर्स है वहां की हालत ऐसी क्यों है? इसकी हालत ऐसे क्यों है? क्योंकि हमारी सरकार हमारे लोगों को काम नहीं देना चाहती है दोस्तों। मेट्रो ट्रेन बनाना है, स्टैचू बनाना है, ले आओ चाइना के लोग, वहां से उनको एम्प्लॉयमेंट दो। दोस्तों अब तो ट्रम्प चचा ने भी जाहिर कर दिया है कि हम अमेरिका के बाहर के लोगों को हम जॉब नहीं देंगे अपने कंट्री में। दोस्तों आपको, आप कहोगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से स्टार्ट हो रहा है, उठ रहा है। चलिए मान लीजिए कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी इस ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का ठेका हमने लिया है या हमारे युवा भाइयों ने लिया है क्या? आप इस बात को सोचिए ना कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, कोई आम आदमी कंट्रोल करने के लिए समझाएगा लोगों को तो उसी को चार गाली पड़ जाएगी। सो ये कंट्रोल करना सरकार का काम है। और ओवर पॉपुलेशन तो दोस्तों चाइना में भी है, चाइना में भी ज्यादा पॉपुलेशन है ना, तो वहां तो ऐसी कंडीशन नहीं देखने को लग रही है, लेकिन सिर्फ इंडिया में ऐसा है क्यों कि यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट वो दिन पर दिन ज्यादा बढ़ती जाती है। और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करिए तो कुछ अंधभक्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं 70 साल में देख लिए थे ना कांग्रेस में क्या हुआ था। डेवलपमेंट की बात करिए तो वही बात आता है, लोग कहते हैं अरे मुस्लिम को मार रहा है, ये हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस बात को तो आप समझिए कि जो सनातन धर्म था और हिंदू धर्म था ये बीजेपी के पहले भी था, यही से दयानंद सरस्वती और विवेकानंद पैदा होकर निकले थे, गौतम बुद्ध आए थे, यही से दोस्तों
बुद्धिज्म भी आया था। और दोस्तों सनातन धर्म और हिंदू धर्म बीजेपी से पहले भी था और बीजेपी के बाद भी रहेगा, इस बात को मैं बता दूं। ये एक सिर्फ जुमलेबाजी है जो सरकार किया करती है, जब डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं कर पाती है तो लोगों को उलझाने के लिए हिंदू मुस्लिम का सहारा लेती है, और उससे भी काम नहीं चला तो वहां दंगे करवा दिए, और उससे भी नहीं कलम चला तो कुछ नया नया नीति ले आए, जैसे कि एक्ट ले आए, CAA, NRC, CRR, इस तरह के बहुत सारे एक्ट को ले आते हैं ताकि जनता उलझा रहे और इससे हमें कोई फर्क ना पड़े और हमसे वो सवाल ना कर सके। अगर मैं यहाँ से आपसे सवाल कर रहा हूँ तो पहले मोदी नहीं बोलेगा, कुछ उसके जैसे भक्त जन है, बल्कि उनको भक्त नहीं कहना जाए क्योंकि राक्षस के जो पूजने वाले उनको भक्त नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी मैं क्या बोलूं, इसलिए इसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। जब मैं उनके बारे में कुछ बोल रहा हूँ या उनसे सवाल पूछ रहा हूँ तो कुछ लोग कहेंगे अरे यार ये तो देशद्रोही है, तो हम इस देश का गलत नहीं बोल रहे हैं और देश से सवाल नहीं पूछ रहे, हम इस गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं जो इसे प्रॉमिस की थी। मैं सिर्फ वही बात को बोलता हूँ जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ है, 2 करोड़ जॉब कहाँ गई, इस बात को आप समझने के प्रयास कीजिए। दोस्तों पॉपुलेशन बढ़ी है, तुम्हारे यहाँ स्किल वर्कर भी तो है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वर्कर इंजीनियर हमारे यहाँ, फिर भी दोस्तों हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए लानी पड़ती है वर्कर इंजीनियर को चाइना से। हमें नागपुर में मेट्रो ट्रेन बनाई दोस्तों, उसमें हमने इंजीनियर को लाए, हमने इंजीनियर की मांग की चाइना से। दोस्तों चाइना की कंपनी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और मेट्रो ट्रेन बनाया, और ये है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। अब इस बात पे अगर आपको आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कहते हुए शर्म नहीं आता है कि मोदी जी ने ये किया, तो आपको ये काफी शर्म की बात है, और आपको सोचनी चाहिए कि आपके पास भी इतने टैलेंटेड सबसे ज्यादा नंबर के इंजीनियर है, और टैलेंटेड है, इतने स्किल, समझिए इतना स्किल नहीं था कि वो नागपुर का मेट्रो को बना सके, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बना सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक खास बेइज्जती की गई, मूर्ति बनाई गई अच्छी बात थी, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से, और उसके बाद टैक्स पेयर के पैसे तो एक गलती थी ही, दूसरी वो चाइनीज कंपनी के द्वारा, चाइनीज वर्कर इंजीनियर के द्वारा, ये दूसरी गलती सबसे मेजर प्रॉब्लम थी दोस्तों। और काफी अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू थी उसकी अगर चाइना की कंपनी से बनाया था तो ये काफी उनके लिए शर्म की बात और दुख की बात है कि वो क्या आज सोचते अगर रहते तो, कि मैं इतने स्वदेशी को प्रमोट करता था और मुझे मेरा ही स्टैचू बन रहा है विदेशियों के द्वारा। तो जब गुरु जी कहते कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया चलाया तो काफी उनको दुख और शर्म होनी चाहिए, दुख तो नहीं लेकिन शर्म होनी चाहिए अंदर से, कि हम कौन से आत्मनिर्भर भारत को बनाना चाहते हैं, उसमें जो एक आम में आम आदमी सिर्फ पकौड़ा और खेती करे और वही शाह जी का बेटा बन जाए BCCI सेक्रेटरी, है कौन सी सरकार है जो अपनी जनरेशन के साथ अपनी फैमिली के साथ ऐसा कर रही है, और दूसरे अगर आम आदमी को वहीं पे पकौड़े बेचने को कर रही है। उसके बाद भी मोदी जी को नहीं पता है कि पकौड़े बेचने में भी आपको 70 तरह के टैक्स देना पड़ेगा, तब आप जाके एक ठेला लगा सकते हैं पकौड़े का, और उसमें भी आपने लॉकडाउन करवा दिया, लॉकडाउन है तो लोग भी उसमें कंज्यूमर कौन है तो क्या खाएंगे वो, सोचिए ना इस बात को। खुद तो ऐसा बहाना बनाते हैं कि हम चाय बेचते थे और चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन चाय बेचे भी नहीं है इसका भी पता नहीं, और उसके बाद बेचे भी तो आज प्रधानमंत्री बन गए, और दूसरे लोगों को कह रहे हैं पकौड़ा बेचिए, मतलब खुद जो गरीबी देखे हैं उसको सबको कह रहे हैं कि आप देखिए ये भी गरीबी को। वाह गुरु जी। दोस्तों कई सारे जॉब चल गए दूसरों प्राइवेटाइजेशन के बारे में, लेकिन फिर भी हम ये समझनी चाहिए कि जो सरकार हमारी सरकारी स्कूल कॉलेज रेलवे को नहीं चाहती है, सरकारी बैंक नहीं चाहती, तो हम सरकारी गवर्नमेंट लेकर क्या करेंगे, हम सरकार को सरकारी लेकर क्या करेंगे, वो भी अडानी को दे देते हैं, अंबानी को दे देंगे, हमको क्या मतलब उससे, उसको भी प्राइवेट कर दिया जाए सरकार को भी। दोस्तों कौन सी सरकार है जो नहीं चाहती है सरकारी चीजों को, और प्राइवेटाइजेशन के बाद से दोस्तों कई सारे जॉब गए हैं जिसकी कोई आंकड़ा नहीं है, और लोगों के साथ क्या हुआ होगा जो जिनको अचानक पता चला होगा कि आपकी जॉब जाने वाली है और जा रही है, क्या उन पे बीती होगी। दोस्तों रिजल्ट जो है CGL और SSC का दोस्तों वो 2 से 4 साल में आता है, बिहार गवर्नमेंट के अंदर दोस्तों जो दरोगा का फॉर्म भरा था उसमें अब ग्रेजुएशन और BA की डिग्री मांगने लगा। अब बताइए बिहार के जो ग्रेजुएशन और BA की डिग्री जो है वो
6-6 साल तक, 5-5 साल तक मिलती नहीं है, तो वो फॉर्म यानी नहीं भर पाएंगे। ये इनिशियल कर दिया गया था कि आपको डिग्री भरनी ही पड़ेगी, दिखानी ही पड़ेगी, और यहाँ तो मिल ही नहीं रहा, मतलब सिस्टम खराब है और भुगतना पड़ेगा स्टूडेंट को, ये कौन सा इंसाफ है दोस्तों। एक इंजीनियरिंग जो होता है दोस्तों, को पढ़ने के लिए होनहार बच्चे जाते हैं और 10-10, 20-20 लाख जिनकी ऐसी हैसियत नहीं होती है, फिर भी वो पे करते हैं, और बाद में दोस्तों उनके साथ 10 लाख बच्चों को कम्पीट कराया जाता है और मात्र सिर्फ 10,000 स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट होते हैं, और उसमें भी 10,000 सेलेक्ट होने के बाद दोस्तों आप समझिए कि वो 90,000 जो सेलेक्ट नहीं हुए उनके साथ क्या बीतती होगी, वो क्या करते होंगे, वो फिर जनरल तैयारी करते होंगे और घर में रोज ताने सुनते होंगे, नहीं मिला तो वो जनरल तैयारी करेगा, और वो भी अगर नहीं हुआ तो कहीं से एक बिजनेस खोल कर बैठ जाएगा, एक दुकान दे देगा या फिर सुसाइड कर लेगा, यही सब होता है। आज दोस्तों हमारे कंट्री में जितना की कोई बीमारी से नहीं मर रहा है, और स्टूडेंट उतना तो सिर्फ दोस्तों सुसाइड करके मरते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनको जॉब मिल नहीं रहे और अपनी तकलीफों को वो झेल नहीं पाते, बस इस वजह से। दोस्तों हमारी सरकारें क्या करती है, हमारी सरकार ये करती है कि हमें ड्रीम दिखा देती है बहुत बड़ी बड़ी कि हम ये करने वाले हैं, हमने मेक इन इंडिया लाया तो हम 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना देंगे, 2 करोड़ जॉब जनरेट करेंगे, और हमारी जनता जो भोली भाली है वो बिना सोचे समझे किसी के भी तड़ीपार व्यक्ति के बातों पर भी विश्वास कर लेती है, उसे सरकार बना देती है, और वे सरकार क्या करता है जो चुनावी वादे किए रहते हैं उनको पूरा करने में वो जी जान लगा देती है, उनसे जिनकी गाड़ियों से वो सफर किए जैसे अडानी अंबानी, और उनके लिए काम करता है, पैसा उनको भेजता है, और बाद में इनको पता होता है कि हमारी सरकार गिरेगी तो हम क्या करेंगे, उस वक्त हम जाकर अडानी भाई के कंपनी में काम करेंगे, उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे, और उसके बाद नई जनरेशन को उनसे क्या मतलब, जो मोदी की जनरेशन है वो क्या सरकारी जॉब करनी चाहेगी, या वो भी पॉलिटिक्स में जाएगी, या फिर मुकेश अंबानी इन सब से समझौता करके उन्हीं के साथ पार्टनरशिप बढ़ाएगी। सो ये होता है दोस्तों जुमलेबाजी जो आम आदमी को दिखाया जाता है और आम आदमी मान रहा है। दोस्तों सब लोग मुकेश अंबानी के बेटे तो है नहीं दोस्तों, हार्वर्ड के अंदर दोस्तों जो हमारी कंट्री से बाहर के यूनिवर्सिटी है उनको पर प्रोफेसर 5 लाख 10 लाख की सैलरी मिलती है, हमारे इंडिया की बात करो दोस्तों तो सिर्फ 50,000, बताइए वो क्या प्रोफेसर पढ़ाता होगा, अगर टैलेंटेड भी है, स्किल भी है, उसके पास नॉलेज भी है तो वो क्या पढ़ाएगा, सोचेगा जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उतना तो मेरा सैलरी नहीं आ पाता है तो मैं क्यों करूँ, इस बात को तो सोचते होंगे, और इसी वजह से पढ़ाई में भी ढीलापन हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम हमारी बर्बाद करके रख दिए इन नेताओं ने दोस्तों, इसको सुधारना बहुत जरूरी है, अगर हमारे GDP और इकोनॉमी को सुधारना है तो पहले हमें युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, हम सिर्फ CGL और SSC की बात नहीं कर रहे, हर तरफ की जो 2 करोड़ का वादा थी उनको मोदी जी को पूरा करना चाहिए। हमारी डिमांड क्या है दोस्तों और सारे युवा की डिमांड क्या है कि हमें एक नीट और क्लीन एग्जाम हमें हर हमेशा टाइम टू टाइम ली जाए, और वो भी फेयरनेस के साथ, और उसको भी उसका रिजल्ट भी दोस्तों एक टाइम टू टाइम दिया जाए, और उसमें भी कोई तरह की चीटिंग ना हो, और उसके बाद भी दोस्तों एक वैकेंसी लिस्ट निकाली जाए जिसमें ये बताया जाए कि कितने साल पे कितने वैकेंसी आने वाले, ताकि बच्चे प्रिपेयर रहे पहले से कि हम इतने रुपए में इतने साल पढ़ सकते हैं कि नहीं। सो वेल गाइस, अगर कंट्री की GDP को इम्प्रूव करना है तो मेरे ख्याल से पहले एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना पड़ेगा, ताकि सभी लोग देश को कंट्रीब्यूट कर सके, लेकिन जब तक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी तो देश में क्या कंट्रीब्यूट होगी। और दोस्तों आज हमारी मीडिया भी इस चीज पे खामोश है, लेकिन मीडिया के अंदर से सोचती होगी कि यार कौन से नेता की हमने तारीफें करने की ठेका ले ली, जो कभी अच्छा काम करता ही नहीं, यार एक बार वो तारीफे कर दो दूसरी बार उससे भी बड़ा घाटा लेकर आ जाता है, कितने इस बात को छुपाए, मीडिया भी बहुत सोचती होगी इसके बाद। सो गाइस, जो भी हो इस देश में आज क्या बनप रही है ये तो हम नहीं बल्कि सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं, और हमसे अच्छे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस सवाल पर आवाज उठा, और ये एक दूसरी सबसे बड़ी महामारी छा गई है हमारे इंडिया में, बेरोजगारी जो कि युवा को नहीं मिल रहा। सो वेल गाइस, अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना और मोदी जी की 2 करोड़ की योजना कहाँ है कि जॉब जनरेट करेंगे, यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाता, और पूछने वाले को तो देशद्रोही साबित कर दिया गया है। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे कि इसमें कोई एक्शन लिया जाए। सो फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।